हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द अल्टीमेट गोल। आज हम इस वीडियो के अंदर क्लाइमेटोलॉजी के लेक्चर 6 करने वाले हैं, जहां पर हम एयर मास के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, देखो ये जो एयर मास है ये क्या होती है। देखो, एक लार्ज बॉडी ऑफ एयर होती है, ओके, जिसके अंदर एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी की। तो ये जो लार्ज बॉडी ऑफ एयर है इसको हम बोलते हैं एयर मास, ओके। अब देखो, ये जो एयर मास है इसके अंदर जो टेम्परेचर और मॉइस्चर है एकदम सेम टाइप का होता है, और इसके अंदर जो वेरिएशन होता है वो वेरी लिटिल हॉरिजेंटल वेरिएशन इसके अंदर हो सकती है, लेकिन हमेशा ये जो टेम्परेचर और मॉइस्चर का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो सेम टाइप का ही होता है एयर मास के अंदर। अब देखो, ये जो एयर मास है, ये जो हमारा जो ग्लोबल प्लैनेटरी विंड सिस्टम है ना, इसका एक इंटीग्रल पार्ट होता है, और ये जो है देखो एक और जो अदर विंड बेल्ट है उसके साथ ये एसोसिएटेड होता है। अब देखो, ये जो एयर मास है ये हमेशा सरफेस टू लोअर स्ट्रेटोस्फीयर तक एक्सटेंड रहता है, और अगर हम इसका हॉरिजॉन्टल एक्सटेंशन देखेंगे तो थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर तक ये जो एयर मास है ये एक्सटेंड रहता है। अब देखो, सोर्स रीजन, तो सोर्स रीजन किसको कहा जाता है। देखो, ये सोर्स रीजन जो है एक होमोजेनियस सरफेस होता है। देखो, होमोजेनियस सरफेस होगी तभी उसका जो टेम्परेचर है, मॉइस्चर कंटेंट है, ये सारी सेम हो पाएगी। तो ये जो होमोजेनस सरफेस है जिसके अंदर जो एयर मास है वो फॉर्म होती है, तो उसको हम बोलते हैं सोर्स रीजन, ओके। अब देखो, ये जो सोर्स रीजन है इसके कारण ही जो एयर मास के अंदर जो हीट और मॉइस्चर की इक्विलिब्रियम होती है वो होती है। अब देखो, ये जो है एयर मास जो है वो जब सोर्स रीजन से अलग रीजन तक मूव करती है, तब इसका जो अपर लेवल का जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है वो लॉन्ग टाइम तक मेंटेन रहता है, क्योंकि यहाँ पर जो एयर होती है स्टेबल होती है, स्टैग्नेंट एयर होती है, और ये जो स्टैग्नेंट एयर है ना इसके अंदर कॉन्वेक्शन, कॉन्डक्शन, रेडिएशन, ये कुछ भी प्रोसेस काम नहीं करता है। तो इसी के लिए इसके साथ जो वेदर कंडीशन होती है वो स्टेबल टाइप का होता है। अब देखो, अब आते हैं फेवरेबल कंडीशन। तो एयर मास जो है, एयर मास ओरिजिन होने की कुछ फेवरेबल कंडीशन चाहिए होती है। तो देखो, जो सोर्स रीजन है, फेवरेबल सोर्स रीजन क्या है, देखो सोर्स रीजन को एक्सटेंसिव होना चाहिए, जेंटल होना चाहिए, और साथ साथ वहाँ पर अगर डाइवर्जेंट एयर सर्कुलेशन हो तो वहाँ पर एयर मास जो है उसका अच्छा ओरिजिन होता है। देखो, डाइवर्जेंट एयर सर्कुलेशन कहाँ पर दिखी जाती है, देखो जो हाई प्रेशर जोन है ना, हाई प्रेशर जोन में क्या होती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की डायरेक्शन पर विंड जो है वो फ्लो करती है। तो जो हाई प्रेशर जोन वाला एरिया है वहाँ पर डाइवर्जेंट एयर सर्कुलेशन दिखी जाती है। तो अगर डाइवर्जेंट एयर सर्कुलेशन हो किसी जगह पर तो वहाँ पर एयर मास अच्छा प्रोड्यूस होता है। अब देखो, जो हाई प्रेशर जोन जहाँ पर कुछ जो प्रेशर डिफरेंस और प्रेशर ग्रेडियंट का थोड़ा सा डिफरेंस हो, लिटिल डिफरेंस हो, तो वहाँ पर भी एयर मास अच्छा प्रोड्यूस होता है, आइडियल सोर्स रीजन वो होती है। अब देखो, जो मेजर सोर्स रीजन होता है ना एयर मास की, वो कभी भी जो मिड लैटिट्यूड वाला रीजन है वहाँ पर नहीं होता है, क्योंकि उस रीजन के अंदर जो साइक्लोन है और साथ ही साथ जो अदर वेदर डिस्टर्बेंसेस है वो सारी कुछ वहाँ पर डोमिनेटेड होती है। इसी के लिए मिड लैटिट्यूड पर अच्छा सोर्स रीजन एयर मास की नहीं होता है। अब देखो, मेजर सोर्स रीजन की अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पर 5 मेजर सोर्स रीजन होती है जहाँ पर एयर मास प्रोड्यूस होती है। तो क्या क्या है, देखो फर्स्ट वाला है वार्म ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल ओशन, दूसरा वाला है द सब ट्रॉपिकल हॉट डेजर्ट, तीसरा वाला है द रिलेटिवली कोल्ड हाई लैटिट्यूड ओशन, चौथा वाला जो है द वेरी कोल्ड स्नो कवर कॉन्टिनेंट इन हाई लैटिट्यूड, और फिफ्थ वाला जो है परमानेंटली आइस कवर कॉन्टिनेंट इन द आर्कटिक एंड अंटार्कटिका, ओके। तो ये 5 जो है ये मेजर सोर्स रीजन होती है एयर मास की प्रोड्यूस होने का। अब देखो, जो एयर मास है अगर हम सोर्स रीजन के अनुसार देखेंगे तो यहाँ पर देखो मेनली 5 टाइप का एयर मास यहाँ पर होती है। क्या क्या है, देखो मेरीटाइम टॉपिकल एयर मास जिसको एम टी से, देखो स्मॉल एम और कैपिटल टी इससे दिखाया जाता है,
दूसरा वाला होता है कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल, उसके बाद है मेरीटाइम पोलर, कॉन्टिनेंटल पोलर और उसके बाद है कॉन्टिनेंटल आर्कटिक। देखो कभी कभी एग्जाम में ये जो टर्म है ना, ये जो संकेत है ना, ये सारे जो चिन्ह है ये दी जाती है, तो इसको क्या बोला जाता है, कौन सी एयर मास ए होती है, तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आती है। तो देखो ये जो कैपिटल सी है इससे कॉन्टिनेंटल होती है, देखो यहाँ पर भी कैपिटल सी है, यहाँ पर भी कैपिटल सी है, तो इससे कॉन्टिनेंटल होती है, और टी मतलब होता है ट्रॉपिकल और पी मतलब होता है पोलर। ओके तो देखो अगर सी टी हो तो कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल होती है, एम टी हो तो मेरीटाइम ट्रॉपिकल होती है, इस टाइप का जो एयर मास है वो होती है। अब देखो जो ट्रॉपिकल रीजन है तो उसका टेम्परेचर ज्यादा होती है, मॉइस्चर ज्यादा होती है, इसी के लिए वहां पर वार्म एयर मास की प्रोडक्शन होती है। और देखो जो पोलर रीजन की अगर हम बात करें तो उसके अंदर जो कोल्ड एयर मास है उसका ओरिजिन होता है। अब देखो जो वार्म एयर मास और कोल्ड एयर मास है, तो इस दोनों के बीच में जो हीट ट्रांसफर प्रोसेस होती है ना वो बहुत ही स्लोली काम करता है, इसी के लिए वहाँ पर जो मिक्सिंग है ना बहुत स्लोली होती है। देखो उसके बाद आती है कोल्ड एयर मास, तो कोल्ड एयर मास किसको बोला जाता है, देखो नीचे का एक सरफेस रीजन है उसके ऊपर वाला रीजन के अंदर देखो एयर मास प्रोड्यूस हो रहा है, ओरिजिन हो रहा है। तो ये जो नीचे वाला रीजन है इससे अगर जो एयर मास है ऊपर का वो अगर कोल्ड हो, मतलब उसका टेम्परेचर अगर कम हो, तो उसको हम बोलेंगे कोल्ड एयर मास, मतलब नीचे वाला जो सरफेस है वो वार्म और ऊपर वाला एयर मास कोल्ड, तो तभी हम उस एयर मास को कोल्ड एयर मास बोलेंगे। तो इसके अंदर क्या होती है, देखो इंस्टेबिलिटी कंडीशन यहाँ पर होती है, क्यों होती है, देखो नीचे वाला जो रीजन है वो वार्म है, तो इसीलिए क्या होती है, जो एयर मास की जो लोअर वाला लेयर है ना वो धीरे धीरे करके उसका टेम्परेचर जो है इसका संस्पर्श में रहने के साथ क्या होती है, टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होती है। तो इसी के लिए इसका जो वर्टिकल लैप्स रेट है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो लैप्स रेट बढ़ने की कारण क्या होती है, इंस्टेबिलिटी दिखी जाती है। तो ये इंस्टेबिलिटी ज़्यादा होने की कारण क्या होती है, जो यार है वो ऊपर जाके उसमें से क्लाउड फॉर्मेशन होती है और साथ ही साथ जो फॉग है और प्रिसिपिटेशन जो है ये होती है, मतलब इसके अंदर देखो जो इंस्टेबिलिटी कंडीशन है ये होती है और साथ ही साथ जो एटमोस्फेरिक टर्बुलेंस है जैसे कि फॉग, देखो जो क्लाउड प्रिसिपिटेशन, ये सारी कुछ भी ये जो कोल्ड एयर मास है इसके अंदर होती है। तो ये कुछ जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको अच्छे से याद रखना है कि कोल्ड एयर मास के अंदर स्टेबिलिटी होता है या फिर इंस्टेबिलिटी होता है, तो इसमें से भी क्वेश्चन आती है एग्जाम में। अब देखो अगर हम कोल्ड एयर मास कहाँ पर ओरिजिन होता है, इसका मतलब कोल्ड सोर्स रीजन क्या क्या है, तो देखो पोलर एरिया के अंदर कोल्ड एयर मास की ओरिजिन होता है, हमने पहले ही देखा। तो क्या क्या है, देखो आर्कटिक ओशन के अंदर जो एयर मास की ओरिजिन होता है वो कोल्ड और मॉइस्ट टाइप का होता है। देखो ओशन के अंदर हो रहा है इसी के लिए मॉइस्ट टाइप का होता है, मतलब इसके अंदर मॉइस्चर ज़्यादा रहता है। उसके बाद देखो साइबेरिया तो है, देखो कॉन्टिनेंट होती है, कॉन्टिनेंट के अंदर है लैंडमास है, इसी के लिए इसके अंदर जो एयर मास प्रोड्यूस होता है वो कोल्ड और ड्राई होती है। उसके बाद देखो नॉर्दर्न कनाडा के अंदर भी जो एयर मास प्रोड्यूस होती है वो कोल्ड ड्राई होती है, और साउदर्न ओशन के अंदर जो एयर मास की ओरिजिन होता है वो कोल्ड एंड मॉइस्ट टाइप का होता है। नेक्स्ट देखो नेक्स्ट आते हैं वार्म एयर मास। तो वार्म एयर मास, देखो कोल्ड एयर मास क्या हुई थी, देखो नीचे वाला सरफेस रीजन जो है वो वार्म थी और ऊपर वाला एयर मास क्या थी, वो थी कूल, मतलब उसका टेम्परेचर कम थी। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर उल्टा होता है, मतलब नीचे वाला जो अंडरलाइन सरफेस का जो टेम्परेचर है वो अगर कम हो और उससे ज़्यादा टेम्परेचर अगर ऊपर वाला जो एयर मास है उसका हो, तो तब हम उसको बोलेंगे क्या बोलेंगे, तब हम उसको वार्म एयर मास बोलेंगे। तो ये देखो यहाँ पर क्या होती है, ये इसका एयर मास की जो नीचे वाला लेयर है वो धीरे धीरे इसका टेम्परेचर क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो डिक्रीज होने के कारण जो वर्टिकल लैप्स रेट है वो क्या होती है, वो घटती रहती है। तो इसी के कारण यहाँ पर स्टेबिलिटी दिखे जाते हैं। तो इसके साथ स्टेबल वेदर कंडीशन जो है वो एसोसिएटेड होती है। अब देखो जो वार्म सोर्स रीजन होती है, तो ट्रॉपिकल जो रीजन है उसके अंदर वार्म एयर मास की ओरिजिन होता है, तो वो क्या क्या है,
देखो मेनली टू होती है, एक तो है सहारा डेजर्ट जिसके अंदर वार्म एंड ड्राई होती है, और दूसरा वाला जो है टॉपिकल ओशन। तो टॉपिकल ओशन के अंदर क्या है, वार्म एंड मॉइस्चर। तो ओशन है, ओशन के अंदर मॉइस्चर ज़्यादा रहता है, तो यहाँ पर जो यार्मस का ओरिजिन होता है उसका कैरेक्टरिस्टिक होता है वार्म टाइप का एंड मॉइस्चर टाइप का। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अगर हम यार्मस की क्लासिफिकेशन देखेंगे तो देखो यार्मस को ब्रॉडली टू टाइप में डिवाइड किया जाता है, एक तो पोलर और दूसरा है टॉपिकल यार्मस। तो पोलर यार्मस को कैपिटल पी से, और देखो जो टॉपिकल है इसको टी से डिनोट किया जाता है। अब देखो ये जो पोलर और टॉपिकल यार्मस है इसको फिर से कहाँ पर इसका प्रोड्यूस हो रहा है, ओरिजिन हो रहा है, मतलब जो है ओशन के अंदर हो रहा है या फिर कॉन्टिनेंट के अंदर हो रहा है, तो इसके अनुसार भी इस दोनों को ही मेरीटाइम और कॉन्टिनेंटल टाइप में डिवाइड किया जाता है। तो ये सारे अनुसार क्या होती है, मेनली फोर यार्मस जो है वो होती है। देखो कॉन्टिनेंटल पोलर यार्मस, मेरीटाइम पोलर यार्मस, कॉन्टिनेंटल टॉपिकल यार्मस और मेरीटाइम टॉपिकल यार्मस। और ये जो यहाँ पर जो साइन है इसको आपको इसके साथ याद रखना है। देखो सी मतलब कॉन्टिनेंटल, पी मतलब पोलर, यहाँ पर एम मतलब मेरीटाइम और टी मतलब है टॉपिकल। अब देखो ये जो यार्मस है इसको फिर से सब डिवाइड किया जाता है, एक तो कोल्ड है या फिर वार्म है। तो उसको देखो वार्म को डब्ल्यू से और जो कोल्ड है उसको के से डिनोट किया जाता है, और दूसरा है स्टेबल और अनस्टेबल, ये दोनों से भी फिर से सब डिवाइड इसको किया जाता है। तो स्टेबल को एस से और अनस्टेबल को यू से डिनोट किया जाता है। ओके, वो कॉन्टिनेंटल पोलर यार्मसेस वो क्या क्या है, देखो इसका सोर्स रीजन कहाँ पर होती है, आर्कटिक बेसिन, नॉर्दर्न, देखो जो नॉर्थ अमेरिका है, यूरेशिया है, अंटार्कटिका है, इसके ऊपर जो कॉन्टिनेंटल पोलर यार्मस है इसका ओरिजिन होता है। अब देखो इसका अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे तो एक कौन सी टाइप का होता है, ड्राई, कोल्ड और स्टेबल कंडीशन इसका होता है। और इसका अगर हम विंटर सीजन के अंदर इसका अगर हम वेदर कंडीशन देखेंगे तो इसका वेदर फ्रिजिड टाइप का होता है, क्लियर और स्टेबल टाइप का होता है। और समर सीजन के अंदर इसका वेदर स्टेबल कम होता है, क्योंकि जो एंटीसाइक्लोनिक विंड है, वार्मर लैंडमास, लेसर स्नो, ये सारी कुछ चीज़ों के कारण यहाँ पर स्टेबिलिटी घट जाती है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आती है मेरीटाइम पोलर यार्मस। ओके, तो ये कहाँ पर ओरिजिन होता है, देखो ओशन के अंदर ओरिजिन होता है, और 40 डिग्री टू 60 डिग्री लैटिट्यूड के अंदर जो भी ओशन है उसके अंदर मेरीटाइम पोलर यार्मस जो है इसका ओरिजिन होता है। देखो एक्चुअली क्या होती है, जो कॉन्टिनेंटल पोलर यार्मस है ये जब जो वार्मर ओशन के ऊपर बहता है तब क्या होती है, ये ज़्यादा हीट लेता है, मतलब इसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है और साथ ही साथ मॉइस्चर कलेक्ट करता है, तो तब ये मेरीटाइम पोलर यार्मस हो जाती है। अब देखो ये जो इसका जो सोर्स रीजन का कंडीशन है एक कैसा होती है, कूल टाइप का होता है, मॉइस्ट टाइप का और अनस्टेबल टाइप का होती है। और देखो इसका अगर हम विंटर टाइम में इसका वेदर कंडीशन देखेंगे तो इसके अंदर हाई ह्यूमिडिटी होती है, ओवरकास्ट स्काइज होती है और ओकेशनल फॉग, प्रेसिपिटेशन, ये सारी कुछ इंपॉर्टेंट चीज होती है। और अगर हम समर में देखेंगे तो वेदर एकदम क्लियर, फेयर और स्टेबल टाइप का रहता है। नेक्स्ट देखो कॉन्टिनेंटल टॉपिकल यार्मसेस, तो इसका सोर्स रीजन कहाँ है, देखो टॉपिकल और सब टॉपिकल डेजर्ट जो होती है सहारा अफ्रीका के अंदर, और देखो जो वेस्ट एशिया ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो डेजर्ट होती है वहाँ पर ये जो कॉन्टिनेंटल टॉपिकल यार्मस है इसका ओरिजिन होता है। और देखो ये जो यार्मस है ड्राई टाइप का होता है, हॉट होता है और स्टेबल होता है, इसके अंदर मॉइस्चर बहुत कम रहता है। देखो ये जो यार्मस है ये बहुत दूर तक एक्सटेंड नहीं होता है और हमेशा सारे ईयर भर ये जो है यार्मस ये ड्राई रहता है। नेक्स्ट देखो मेरीटाइम टॉपिकल यार्मस। ओके, तो ये जो है इसका ओरिजिन कहाँ पर होती है, देखो टॉपिकल सब टॉपिकल रीजन के अंदर जो भी ओशन है, देखो मेक्सिकन गल्फ जो है, पैसिफिक, अटलांटिक ओशन के अंदर इसका ओरिजिन होता है। और इसका टाइप होता है वार्म टाइप का, ह्यूमिड टाइप का और अनस्टेबल टाइप का यार इसके अंदर होती है। और विंटर टाइम में इसका अगर हम वेदर देखेंगे तो देखो माइल्ड टेम्परेचर होती है, ओवरकास्ट स्काई होती है, फॉग होती है। और समर टाइम के अंदर इसके अंदर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर रहता है, बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी रहता है और जो क्यूमुलस क्लाउड है वो दिखी जाती है और कन्वेक्शनल रेनफॉल जो है वो भी होती है। अब नेक्स्ट देखो यार्मस जो है वेदर के ऊपर इसका इन्फ्लुएंस कितना है, तो देखो जो वेदर के अंदर हम जो टेम्परेचर और मॉइस्चर कंटेंट की जो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं तो मेनली यार्मस की प्रॉपर्टीज के अंदर ही
करती है, तो ये यारमास जो है वो वेदर के साथ रिलेटेड होती है। अब देखो ये जो यारमास है ये क्या करती है, जो एटमोसफेयर की जो मॉइस्चर है वो ओशन से कॉन्टिनेंट की डायरेक्शन पर ले जाती है, और साथ ही साथ जो कॉन्टिनेंट के अंदर जो प्रिसिपिटेशन होती है लैंडमास के अंदर वो भी यारमास की कारण ही होती है। अब देखो यारमास के कारण जो लेटेंट हीट है उसका ट्रांसपोर्टेशन होती है, और साथ साथ क्या होती है जो लैटिट्यूडनल हीट बैलेंस है वो भी बहुत हद तक रिमूव हो जाती है, और जो देखो जो एटमॉस्फेरिक साइक्लोन है, स्टॉर्म है, ये सारी कुछ जो दो यारमास है ना, दो यारमास जहाँ पर मिलती है वहाँ पर ज़्यादातर ये साइक्लोन और स्टॉर्म ओरिजिन होता है, तो ये भी वेदर के साथ रिलेटेड होता है। तो देखो ये जो जहाँ पर ये दो यारमास एक जगह पर मिलती है वहाँ पर फ्रंट होती है, तो ये फ्रंट वाला पार्ट जो है जो नेक्स्ट वीडियो होगी वहाँ पर फ्रंट के साथ जो सारी चीज़ रिलेटेड है, और साथ ही साथ जो अपर एयर सर्कुलेशन है उसको भी हम डिटेल्स में देख लेंगे। ओके, तो फ्रेंड्स अभी के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।